जानू, आई लव यू। मैं जान दे बहन, अगले हफ्ते बकरीद है। चल दलिंदर मुर्दे, तेरे को मेरी मोहब्बत की खतर इतनी है। मैं तेरे टांगों की बिरयानी पाए बन जाओ, तेरे गुर्दे की भाजी बन जाओ, मेरी मोहब्बत को ठुकरा रहा तू। आई आई जान दे जी बाजी, आई लव यू टू। चल दलिंदर इफलास। खर्चा बहुत हो जा रहा भैया। यहाँ भी होता वहां भी होता, अब तो ताले दाम होता क्या? अरे यहाँ भी होता वहां भी होता, अब तो ताले दाम होता क्या रे? हलदल में बतला 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 बतला। जी तुम्हारे अम्मा बाप पॉपकॉर्न खा के पैदा कर रहे थे इसको। ऐसा कह पूछ रहे जी? अरे तो इतना कहीं उछल रहा फिर जी छोटे बंद कर रहे तू। अदी बजन अपन भी तुलवानी था मसला लाई देना दी। अरे ऑलरेडी एक बकरा है ना घर में, फिर दूसरा बकरा कहे करे छोटा। तती तिदले तिदले मतला तिदले तिदले तेरे नजरों के सामने है देख। रे छोटा तेरी बहन की सोच बदलना पड़ेगा रे मेरे को। मेरे को कुर्बानी का बकरा कहते हैं, अब तेरी बहन को बताना पड़ेगा कि कुर्बानी का बकरा कैसा रहता है। चल रहे लेके आएंगे कुर्बानी का बकरा, चल। अरे रुको कहाँ जा रहे, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी आती हूँ। अरे तुम कहीं को आते जी? मैं क्या तुम्हारे साड़ी के ब्लाउज का मैचिंग का अस्तर लाने जा रहा हूँ, बकरा लाने जा रहा हूँ। इसके वास्ते जो बोल रही मैं आती हूँ बोल के, तुम्हारी सूरत और हालत देख के तबेले वाला तुम्हारे को बकरा समझेगा। चार आने के बंदर को 12 आने की रस्सी चिपका देगा। मैं क्या फेविकॉल है जी मेरे को चिपकाने के वास्ते? देखो भाई चुप, हमारे काम हमाऊ करने दो, तो बीच में आके आके टांगा नकोड़ा। चल अच्छा सुनो, क्या है जी बोलो? अच्छा बकरा देख के लाओ। दो आंखों वाला, दो कानों वाला, चार टांगों वाला, 32 दांतों वाला, घुघराले बालों वाला अच्छा बकरा लेके। मैं कुर्बानी का बकरा लाने के वास्ते जा रहा हूँ, तुम्हारी बहन के वास्ते दूल्हा नहीं। क्या हेड की रकम है जी? अजी शार्ट टेम्पर आदमी, तुम्हारे को अच्छा बकरा लाओ बोल रही हूँ, ऐसा वैसा नकोला उठा के। ऐसा वैसा क्या मतलब जी तुम्हारा? है लंगड़ा लूला कंडा बीमार, झिंगरा बीमार, फसलिया दिख रहा सो दुम चट बकरा नकोला, समझे? हाँ समझ गया समझ गया, तुम्हारे बाबा का जैसा बकरा नहीं लाना है। अजी मैं तुम्हारे खानदान वालों की बातें कर रही थी। हमारे खानदान में कौन है जिसे एंटिक प्लेयर है? तुम्हारा पूरा खानदान एंटिक प्लेयरों से भरा हुआ है। तुम्हारा भाई तोतला, तुम मोटे, तुम्हारे बाबा वंटप, तुम्हारे अम्मा गिड्डे, तुम्हारी बहन काली, तुम्हारे खाला चपटे, और तुम्हारे फुप्पू तो दांदो दी मैदान तई तू अपने तू वो तो बाजी दांदो ना दी तई तू तू तुबा तुबा खानदान वालों की बेइज्जती तलाना है तुम्हारा तू चलो मैदान दे दे चलो दे लू बोल रहे कान में पुकार रहा है चल। A few moments later बतला आ गया बाजी दल्ली बहालाओ, बतला आ गया, दल्ली बहालाओ, बाबी बतला आ गया, बहालाओ। इन्हें इतना कहीं खुश हो रहा, इसके बाबा का वलीमा है जैसा। बाबी जल्दी आओ, बतला आ गया, जल्दी आओ। मैं क्या शाहरुख खान हूँ ऐसा बोल रहा देखने के वास्ते है। अम्मा इन्हें तो मेरे को खानदानी भुक्की दिख रही, मेरा आधा गोश इन्हें खा लेती जैसा दिख रहा मेरे को। बंद 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 रहे भाई बंद। कैसा है बकरा? मार रहा कहीं कुरे दिलिंदर, मैं क्या तेरा कर्जा बाकी हूँ? अरे खामोश कहीं को है बेगम, बोलो जी कैसा है बकरा? ये इच डिजाइन में दूसरा बकरा नहीं था? या अल्लाह मेरे को मौत दे दे। बेगम ये बकरा है तुम्हारे शिमिश का टॉप नहीं है या टॉप का शिमिश नहीं है? तुम पैसे दे के लाए ना, फुगट में तो नहीं लाए ना? अच्छे पैटर्न का, अच्छे कलर का बकरा लाना था। तुम्हारे बाबा के फैक्ट्री में नहीं बनते बकरे? सुने अपनी पसंद का, अपनी कलर का, अपने पैटर्न का बना के लाने के वास्ते मार्केट में जैसा मिलता वैसा लाना पड़ता। इसके वास्ते इच मैं बोल रही थी मेरे को लेके जाओ बोल के, मैं अच्छे पैटर्न का, अच्छे कलर का बकरा उठा के लाती थी। इंसानों की बीवियां भी ऐसी रहती क्या खतरनाक, मेरी वाली भी ऐसी। अरे हट रे भाई हट रहा, सर इसको अच्छा रस्सी अच्छा बन जाके जरा वो घास वास बोले पानी वानी डाल इसको। दिमाग खराब कुछ भी लाओ, औरतों को पसंद इतनी आता।
लो पानी लो। थैंक यू। और कितने में मिला बकरा? 8,000। 8,000? और 8,000 डाले तो पाड़ा आता था ना जी। कितना गोश्त निकलता इसमें? एक निकलता 15-20 किलो। पाड़ा लाते तो 100 किलो निकलता था गोश्त। और कुर्बानी के कितने हिस्से निकलते? एक। पाड़ा रहता था और पूरे 7 हिस्से निकलते थे। दिमाग नहीं है जी तुम्हारे में? दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते तुम, इसलिए इतने पीछे है। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, लाइफ में आगे जाते। तुम बहुत आगे चले गए ना देरुशारी करके। ये यहाँ घर में बैठकर कुकू करे तो नहीं होता। सुनिए, मार्केट में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा वो हमारे को मालूम। 25,000 से 30,000 रुपए में कौन ला पाड़ा मिल रहा? जानदार धनवल लिए तो कम से कम 50-60,000 में एक पाड़ा है। सुने, और ये कुर्बानी लोगों की रजामंदी के वास्ते, जो लोगों को खुश करने के वास्ते नहीं करना। कुर्बानी अल्लाह को राजी करने, उसकी रजामंदी के वास्ते करने का रहता मालूम। तो तुम तुम्हारी कुर्बानी के वास्ते बकरा ला लिए, मेरी कुर्बानी का क्या? अरे पागल औरत, ये बकरा तुम्हारी कुर्बानी के वास्ते है। रियली? हाँ। फिर तुम्हारी कुर्बानी का कैसा? अरे लास्ट ईयर मेरे नाम से दी थी ना कुर्बानी, ये साल तुम्हारे नाम से देंगे। ओ तुम एक नंबर के मक्कार झूठे और सेल्फिश इंसान है। ऐसा मैं सोच रही थी, मगर नहीं, तुम तो बहुत अच्छे निकले। अब तुम निकलो और खाना निकालो, भूख लग रही है मेरे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे को चिकन बना दू। नको मामा, इंसान ही सही हूँ। अजी पागल, मैं सालन की बात कर रही थी। ऐसा भूगलो ना जी, डर गया ना मैं। धूप लग गई जी तुम्हारे को, तुम जाओ जरा ठंडा फैन के नीचे बैठो, 15 मिनट में सालन बना के लाती हूँ। 15 मिनट? अरे नहीं होता भाई, जो भी है जैसा भी है दे दो, मैं खा लेता हूँ। यहाँ पेट में चूहे दौड़ रहे भूख से। चूहे? पर सुबह तो मैं तुम्हारे को मच्छी का सालन बना के दी ना जी। ओ नीम हकीम खतरे जान, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा भूख लग रही, पेट में दुख रहा भाई, जो भी है दे दो मैं खा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, तुम 5 मिनट बैठ के इसे 4 रीला देखो, मैं बना के लेके आती हूँ। तो जाओ फिर। A few moments later. दिमाग खराब कब से? जी कहाँ जा रहे जी? मरने जा रहा हूँ, आते पांक। एक सेकंड, ये थाली ले जाओ। पांक। ये कहीं को? अगर तुम्हारा इरादा बदल गया तो 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू, 5 किलो प्याज लेके आओ। देखो मजाक ना को करो, बोल रहा हूँ। मैं मजाक कर रही हूँ? मजाक तुम कर रहे, सालन बन गया 2 मिनट में और तुम अभी निकल रहे। अरे कब से हो रहे थे तुम्हारे 2 मिनट, आधे घंटे के ऊपर हो गया। 15 मिनट में बनाती हूँ, अभी तक नहीं बना सालन। अजी बन गया जी, खाली 2 मिनट में बन जाता, 2 मिनट में सीटी आ जाएगी तो मैं खाना निकाल देती हूँ। नको अम्मा नको, तुम नको, तुम्हारा सालन नको, मैं जा रहा हूँ। देखो जी, अगर अब तुम यहाँ से गए, अच्छा नहीं होता बोल दे रही हूँ। अगर मैं नहीं गया तो क्या अच्छा हो रहा? अरे 2 मिनट रुको जी, सालन बन गया। बेगम सही बोल रहा हूँ, अगर मेरा बस चलता था ना तो ये हुलिया बदल गया था मैं। तुम्हारा बस क्या, मैं तुम्हारा ऑटो भी नहीं चलने देती हूँ। बेगम जबान मत को चलाओ, हाथा चलाओ और घर का काम करो। काम मेरे को काम करने के वास्ते रखे ना तुम, खाली काम 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 करूं मैं। अरे हाँ जी, तो ऐसा क्या करके अंधे पड़ रहे तुम, आधे घंटे से तो सालन नहीं बन रहा तुम्हारा। जब से इस घर में आई हूँ नौकरानी बना के रख दी तुम्हें को, अब से मेरे को भी तनखा होना भाई। अच्छा अगर काम पसंद नहीं है तो दूसरी ला लेता हूँ मैं। क्या बोले? काम वाली।
अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अभी तक आप लोग इतना सपोर्ट करते हुए आए तो आगे भी करिए। अब की बार जो है 75,000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, तो प्लीज़ हमारा टारगेट कंप्लीट कर दीजिए। उसके अलावा अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर मार के वायरल करिए, और आपके दोस्त लोगों तक ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर फरमाइए। बाकी का मोहतरमा फरमाएंगे। बाकी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट, और हम हमेशा आपको बेटर वीडियोस बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। गर्मी बहुत है, बच के रहिए, पानी पीते रहिए, ठंडा रहिए। बराबर, तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में ईद स्पेशल वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। नया कैमरामैन आया हमारे टीम में, कैसा है तुम? अता हूं मैं।